हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग मैं इस ड्राइंग का प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क के बारे में बताऊंगा कि सैनिटरी और प्लम्बिंग ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। सैनिटरी और प्लम्बिंग वर्क का जब भी हम काम कराते हैं तो साइट पे कैसे कराएंगे, इनकी ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाए और इनकी ड्राइंग में क्या क्या बातें किस तरह लिखी रहती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले चलता हूँ आपको इन दोनों के ड्राइंग के बारे में। और सैनिटरी वर्क का ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दूँ। देखिए, सैनिटरी वर्क का जो मतलब होता है वो होता है हमारा सीवर सिस्टम, बाथरूम सिंक, किचन, इन सब की जो पाइपलाइन होती है, जो अंडरग्राउंड होती है, उसको हम सैनिटरी वर्क बोलते हैं। अब प्लम्बिंग वर्क का मतलब होता है जो भी हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर का होता है, जैसे कि हमारा जो टैप, शावर, डाइवर्टर, सिंक, किचन का नल, ये सब जितने चीज आते हैं ये हमारे प्लम्बिंग वर्क में आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सैनिटरी वर्क और प्लम्बिंग वर्क में। दोनों का आप इस तरह कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो ग्राउंड लेवल से नीचे का काम है ना वो सैनिटरी वर्क है और ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो काम है वो प्लम्बिंग वर्क है। तो चलिए अब बात करते हैं सैनिटरी वर्क की ड्राइंग में। देखिए, सैनिटरी वर्क के ड्राइंग में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस ये चीज लिखी रहती है कि किस जगह से हमारा किस चीज की कनेक्टिविटी है। जैसे कि आपने अभी लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था ना वॉल इलेक्ट्रिकल की, तो सेम इसी तरह हमारा सैनिटरी वर्क है कि किस जगह पे कितने डाय का पाइप आएगा, किस जगह से कौन सी जगह पे कनेक्ट रहेगा, मैनहोल कहाँ पर आएगा, जीटी कहाँ पर आएगा। जीटी का मतलब होता है अपना गली ट्रैप, मतलब कि मैनहोल से छोटा चैम्बर। तो हम बात करते हैं सैनिटरी वर्क के बारे में। तो सैनिटरी वर्क में जस्ट दो चीज को हमको ध्यान देना है, पहला लेवल्स हमको ध्यान देने हैं, दूसरा हमको स्लोप का ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको पाइपलाइन के बारे में बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ पर तीन टाइप के पाइप है, रेन वाटर पाइप, वेस्ट वाटर पाइप और सॉलिड वेस्ट पाइप। ठीक है, इन सब के साइज लिखे हुए हैं। रेन वाटर का पाइप और वेस्ट वाटर का पाइप जो है हमारा 4 इंचेस का है, मतलब कि 100 mm डाया का है। और यहाँ पर उनका कलर सिंबल भी लिखा हुआ है कि ग्रीन और ब्लू कलर में। जो सॉलिड वेस्ट का पाइप है वो हमारा है 6 इंचेस, मतलब कि 150 mm, उसका कलर कोड है हमारा ऑरेंज। हम मैं बात कर रहा था स्लोप की। अब अगर स्लोप मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी वाटर होगा वो एक इंच से दूसरी तरफ फ्लो नहीं करेगा अगर हम स्लोप मेंटेन नहीं करेंगे तो। अब अगर स्लोप मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी नहीं जाएगा, लाइन पाइपलाइन चोक हो जाएगी, मेंटेन करना पड़ेगा और काफी सारे झंझट। सैनिटरी वर्क का सिस्टम अगर किसी घर का खराब होता है तो इतनी प्रॉब्लम आती है कि क्या ही बोलूं। तो बस इतना ही समझना कि ये जब भी काम कराना कहीं पर भी किसी के लिए भी, स्लोप लेवल ये चीज को तो मतलब हर तरीके से चेक करना है कि मतलब कि स्लोप प्रॉपर है कि नहीं है, लेवल्स उसके प्रॉपर हैं कि नहीं है। ये चीज के बारे में अगर कोई कंप्लेन करता है ना, अगर आपके घर बनाने के बाद, तो आपके स्ट्रक्चर भूल जाएंगे, इंटीरियर भूल जाएंगे, ये पूरा बैंड बजा देगा अगर ये दो चीज अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो स्लोप और लेवल के बारे में। तो हमको सैनिटरी वर्क में सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सैनिटरी मतलब ध्यान तो हर चीज में देना है, लेकिन इस काम में सबसे ज्यादा मन लगा के करना क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इसमें देखिए कनेक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है हमारा, किस जगह से किसकी कनेक्टिविटी है आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर गली ट्रैप दिया हुआ, गली ट्रैप से सीधा मैन होल में डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर बाथरूम का भी हमारा यहाँ पर एक ड्रेन आउट का पॉइंट है जो कि हमारे गली ट्रैप से मैच हो रहा है और गली ट्रैप से हमारा मैन होल में आ रहा है। देखिए, किचन, यहाँ पर किचन का भी एक पाइपलाइन है, किचन का भी यहाँ पर गली ट्रैप यहाँ दिया हुआ है और उस गली ट्रैप को यहाँ पर सीधा मैन होल में डाला गया है। और यहाँ पर ये हमारी क्या है, पार्किंग। देखिए, यहाँ पर भी दो पाइपलाइन उतारे गए हैं। दो पाइपलाइन क्या क्या चीज को उतारे गए हैं, एक हमारा उतारा गया है ऑरेंज कलर का जो है वो हमारा वेस्ट वाटर पाइपलाइन है, और जो ब्लू कलर का पाइप है वो हमारा है वेस्ट वाटर का। ठीक है, अब ये कहाँ से है, अब ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस ड्रॉइंग का यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर ओपन कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट फ्लोर में दो पाइपलाइन है, एक तो हमारे ये ड्रेन आउट का जो पॉइंट है वो देखिए ब्लू में यहाँ मिला दिया है, और जो हमारे एक टॉयलेट सीट का जो वेस्ट वाटर का पाइपलाइन है वो यहाँ पर हमारा ऑरेंज में मिलाया गया था। ये दो पाइपलाइन हमारा नीचे उतरा हुआ है। ठीक है, अब फिर क्या किया गया है कि इस मैन होल से डायरेक्ट हमारा बाहर के मैन होल से कनेक्ट करके सीवर लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर भी एक जीटी बनाया गया है, किसके लिए, हमारा पार्किंग में अगर गाड़ी धुलते हैं या पानी आता है कोई भी, तो वहां का भी पानी यहाँ से ड्रेन आउट हो जाए और वो सीधा मैन होल में जाए, और ये हमारा रेन वाटर का पाइपलाइन उतार के मैन होल में डाला गया है। अब दूसरी इसमें सोचने वाली बात है कि सब चीज को अगर हमको एक ही जगह पे डालना था, मतलब मैन होल में, तो हम इतने सारे पाइप क्यों बर्बाद किए। हम चाहें तो यहाँ पर एक पाइपलाइन दे, ठीक है, और इसी में हमारा वेस्ट वाटर का भी जोड़ लें, सॉलिड वेस्ट का भी जोड़ लें, जब हमको एक ही जगह पे मतलब कि सब ड्रेन आउट करना है। तो ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि कभी बाई चांस अगर आपके घर में कभी प्रॉब्लम आती है, सपोज आपका
टॉयलेट सीट जाम हुआ, तो टॉयलेट सीट जाम हुआ तो आप किसको चेक करोगे? आप टॉयलेट सीट जाम हुआ तो आप पर्टिकुलर एक पाइप को मेंटेन कर सको, ठीक है, घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैन होल से हम उस पाइप को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा वेस्ट वाटर का पाइपलाइन जाम होता है तो हम जीटी को चेक करेंगे कि जीटी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है पाइपलाइन के बीच में कुछ फंस गया हो, इसलिए हम दोनों को एक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम हमारा रेन वाटर की पाइप। चलो ठीक है कि ऐसा हो जाता है, तो रेन वाटर की पाइप को ही हम क्यों ना वेस्ट वाटर की पाइप में जोड़ दें, ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए ऐसा कर सकते हैं, कायदे से तो मैं बोलूंगा रेन वाटर का पाइप जो है ना वो मैन होल में डालना ही नहीं चाहिए। रेन वाटर का जो पाइपलाइन है ना, आपको अपने घर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाना चाहिए और अपने रेन वाटर को उसमें डालना चाहिए, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हर जगह है आपको जैसे पता है। तो अगर आपको अपने घर के पास अगर आप बोर किए हैं तो आप अपना रेन वाटर का पाइप अपने बोर में डाल दीजिए, अगर बोर नहीं किए हैं तो आप वहाँ पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट भी बनाइए, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि हर घर में कंपलसरी कर देना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, लेकिन अपनी अपनी बात है, करना है तो कर सकते हैं लेकिन करना ही चाहिए, ठीक है। इस तरह पाइपलाइन को सबको जोड़ के मेन होल में जोड़ा है और फिर सीवर लाइन में जोड़ के ड्रेन आउट कर दिया है जो भी अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लाइन में चला गया। तो बस ये हुआ हमारा सैनिटरी वर्क के बारे में। देखिए जब भी हम सैनिटरी वर्क के अपनी पाइपलाइन को फिक्स करेंगे अपने ग्राउंड के अंदर, मतलब कि फ्लोर के अंदर, तो हम सबसे पहले पीसीसी कर लेंगे। पीसीसी का मतलब एक प्लेन कंक्रीट का बेड बना देंगे स्लोप वाइज, उसको भी हम स्लोप में मेंटेन करके अपना पीसीसी करेंगे, ताकि अगर बाई चांस कभी इन फ्यूचर कुछ ग्राउंड में अगर थोड़ा सा भी सेटल डाउन होना तो हमारा पाइप का स्लोप ना बिगड़े, ठीक है, पाइप हमारा उसी शेप में रहे, एक पूरा उसकी बॉन्डिंग अच्छे से बन जाए, वो जिस स्लोप में उसको प्लेस किया गया है वो उसी स्लोप में मेंटेन रहे, इसके लिए हम पीसीसी कर देंगे। और हो सके तो पाइपलाइन डालने के बाद उसके ऊपर भी आप पीसीसी कर दो, मतलब कंक्रीट डाल दो, ठीक है, इससे आपका पाइपलाइन प्रॉपर फिक्स हो गया अगर अच्छे से काम किया है तो। आप जो भी काम करें उसको प्रॉपर फिक्स करें, अगर उसमें कोई सीलेंट लगना है, सीलेंट का मतलब ग्लू, मतलब जब भी हम कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ग्लू भी लगाए जाते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अपनी सीवर लाइन के बारे में बता दूं कि सीवर लाइन का जब भी हम स्लोप मेंटेन करते हैं ना तो बीम का डेप्थ लोग नहीं ध्यान देते हैं। आप इस ड्राइंग में ध्यान दीजिए, आप बाई चांस समझिए कि आप यहाँ ड्रेन रेन वाटर का जो पाइप है यहाँ से आप मेन होल में डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रही है, बीम आ रही है, तो इस बीम को क्रॉस करना है। तब ये लेवल में ये ध्यान देंगे कि हमको बीम के नीचे से जाना है, तो नीचे से जाना है तो हमको मैन होल की लेवल क्या रखनी है, मैं लेवल की बात कर रहा था। ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं यार अगर हम यहाँ से ज़्यादा स्लोप में क्योंकि ज़्यादा स्लोप हो रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि मैन होल को और गहरा बना दें, क्योंकि अगर यहाँ आप गहरा करोगे तो आपका जो ये रोड साइड वाला जो चैम्बर है ये और गहरा जाएगा, और ये और गहरा गया तो पता चला आपका जो मेन सीवर लाइन था वो ऊपर है तो आपका रिवर्स पानी चला जाएगा घर के अंदर। तो हमको रिवर्स नहीं करना है, हमको स्लोप का ध्यान देना है। अगर ऐसी नौबत आ रही है कि हम बीम को बीम के नीचे से ले जाने पर हमको लेवल डाउन आ रहा है तो हमको बीम को क्रॉस करना ही पड़ेगा, मतलब बीम में हमको होल करना पड़ेगा। तो आप होल बीम बनने की बात मत करिए, जब भी आप बीम कास्ट कर रहे होंगे ना तो आपको लगता है कि इस लेवल पर मुझे जरूरत पड़ेगी, लेवल आप उसी समय ध्यान दे लीजिए और वहां पर एक स्लीव छोड़ दीजिए, स्लीव का मतलब एक होल छोड़ दीजिए, छोटा सा पाइप का टुकड़ा काट के डाल दीजिए ताकि आपको ईजिली उससे कनेक्ट हो जाए, इससे बीम की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो भी मेंटेन रहेगी और आपको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आपकी मैन पावर भी बचेगी, मशीनरी भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा, ठीक है। अगर ऐसी नौबत आती है तो कोशिश तो करिए कि बीम में पंचर ना ही करना पड़े। तो अब हम लोग बात करेंगे प्लम्बिंग वर्क के बारे में। तो देखिए प्लम्बिंग वर्क का अभी कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं होता है, प्लम्बिंग वर्क में हमको दो चीज़ें ध्यान देनी है, क्या, पहला चीज़ इसका भी लेवल ध्यान देना है, इसकी भी फिटिंग ध्यान देनी है, इसके भी जो प्रॉपर हम कनेक्शन करते हैं वो चीज़ के बारे में हमको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, कैसे ड्रॉइंग में क्या चीज़ मेंशन होता है, हम शुरुआत करते हैं किचन से। देखिए यहाँ पर किचन में लिखा हुआ है दो एंगल कॉक एट द रेट 48 इंच बोरिंग एंड ओवर है OH। अब इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर जो टैप लगाना है दो एंगल कॉक नल का टाइप है जो कि हमको 48 इंच की हाइट पे लगाना है। पहला जो टैप रहेगा वो हमारा बोरिंग के पानी के लिए रहेगा, दूसरा जो नल रहेगा वो हमारा रहेगा ओवरहेड वाटर के लिए। जो ओवरहेड वाटर आएगा ना वो एक नल से आएगा और बोरिंग का पानी एक नल से आएगा। तो यहाँ पर इस तरह कुछ मेंटेन हुआ है जिसमें हाइट भी मेंटेन हो गई और हमारा किस कौन सा नल से कौन सा पानी आएगा वो मेंटेन है। दूसरा यहाँ पर देखिए एक एंगल कॉक लगा हुआ है जो कि 30 इंच की हाइट पे लगा है, ठीक है, वॉश एरिया में, कि वॉश एरिया में कुछ दुल्ला हुआ तो आप पाइपलाइन कहाँ से लाएंगे, आपको वहाँ पर भी एक टैप दे दिया गया है। अब आते हैं हम टॉयलेट के ऊपर। तो देखिए टॉयलेट पे दो एंगल कॉक लगे हुए हैं
ठीक है, जो कि हमारा 18 इंच की हाइट पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कंसील्ड फ्लश टैंक, मतलब कि जो फ्लश टैंक रहेगा वो हमारा वॉल के अंदर रहेगा, मतलब कंसील्ड हो जाएगा आपका अंदर ही, ठीक है। उस टाइप का यहाँ पर फ्लश दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिन मिक्सचर दिया हुआ है, मतलब वॉश बेसिन का नल टैप दिया हुआ है। अब चलिए बाथरूम के बारे में बात करते हैं कि बाथरूम में क्या क्या चीज लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल लीवर डाइवर्टर एट द रेट 2.5 फीट प्लस 2.5 फीट, मतलब कि सिंगल लीवर डाइवर्टर 2.5 फीट के हाइट पर आएगा। अभी सिंगल लीवर डाइवर्टर होता क्या है? सिंगल लीवर डाइवर्टर आपने देखा होगा, एक डाइवर्टर होता है जो कि जिसको आप राइट की तरफ मूव करते हो तो गर्म पानी आता है, लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो ठंडा पानी आता है, और उसको अगर अपनी तरफ पुश करते हो तो शावर ऑन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्टर मिक्सचर, ठीक है, या डाइवर्टर आप समझिए। तो डाइवर्टर की हाइट क्या है? 2.5 फीट लिखी हुई है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पाउट एट 2 फीट हाइट। स्पाउट को मतलब आप कह सकते हैं नल की टोटी, जो नल आएगा मतलब टैप, नल तो एक ही रहेगा जिसके अंदर ठंडा पानी गर्म पानी आएगा और उसको लीवर के ऊपर करेंगे तो शावर में चला जाएगा, ठीक है। तो उस नल की जो हाइट रहेगी वो रहेगी हमारी 2 फीट पर। उसके बाद लिखा हुआ है शावर एट द रेट 7 फीट 4 इंचेस, मतलब जो शावर की हाइट रहेगी वो हमारी रहेगी 7 फीट 4 इंचेस पर, ठीक है। ये हमारा हो गया बाथ, टॉयलेट और किचन और वॉश एरिया। बस अब नीचे तो हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, पार्किंग में भी एक दिया हुआ है। पार्किंग में लिखा हुआ है एक एंगल कॉक, मतलब एक एंगल टैप दिया हुआ है जो कि 30 इंच की हाइट पर है, ठीक है। और उसके यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख दिया है कि अपना ये जो कॉलम है कॉलम से 1 फीट आउट रहेगा। यहाँ पर भी नल का देखिए डिस्टेंस लिखा हुआ है कि इन दोनों वॉल की जो डिस्टेंस सेंटर लाइन सेंटर पॉइंट रहेगा वहां पर ये टैप आएगा। देखिए उन सब के लोकेशन के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सबके बारे में, बात का भी, टैप आपका कहाँ पर आएगा उसका लोकेशन के बारे में। अब हम आ गए स्लैब के ऊपर, ठीक है, अपने रूफ पे। तो रूफ पे देखिए एक यहाँ पर टैप लगा दिया छत पे कभी अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। ये सब तो सीवर लाइन पॉइंट है अपने ड्रेन आउट के। बेडरूम है, और बेडरूम का तो टॉयलेट है, मतलब कि ये अटैच है, तो इसमें भी उन्हीं सब चीज को मिक्सअप कर दिया। टॉयलेट की सीट कहाँ लगेगी, टॉयलेट के लिए एंगल कॉक कहाँ लगेंगे, शावर नहाने के लिए जो टैप रहेगा वो कहाँ पर किस साइड पे लगेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। आई थिंक वीडियो लास्ट वाले वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं, सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो बस इस ड्राइंग में बस इतना कुछ ही था। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिवेशन के बारे में रहेगा, और अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा वो प्लम्बिंग और सैनिटरी का देखा। प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो बेझिझक आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इस बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।